एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बैठकर आंख बंद किए हुए थे। नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, पिताजी आप किनका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं अपने भगवान का ध्यान कर रहा हूं। अरे आपको भी कोई बनाने वाला है क्या? नारद जी के ब्रह्मा जी ने कहा, हां मुझको भी बनाने वाला कोई है। कहां है वो? आपको बनाने वाला कहां है? बोले, हमको बनाने वाले परमात्मा हैं, विराट नारायण। अरे कैसे भगवान? तब उन्होंने बताया कि वही भगवान कालम कर्म स्वभावम च माये सो माया स्वया। काल कर्म और स्वभाव से परमात्मा माया और मायापति से हमारा प्राकट्य होता है। बहुत सुंदर बात, महत्तत्व जिसको ज्ञान कहते हैं। और वैकारिक तेजस तामस तीन प्रकार के अहंकार की चर्चा हुई। महत्तत्व को ही बताया गया भगवान और अहंकार को ही बताया गया संकर्षण। बड़ी लंबी चौड़ी बातें, बड़ा गंभीर बातें, इस सृष्टि का बड़ा गंभीर सिद्धांत है। तो इस प्रकार से भगवान जब हमको प्रकट करना चाहते हैं तो भगवान ने कालकर्म स्वभाव को स्वीकार किया और वही परमात्मा विराट का रूप धारण करता है और उसी विराट के नाभि कमल से मेरा अवतरण हुआ और वही विराट पुरुष ने मुझे अपनी लीलाओं का दर्शन कराया और उस परमात्मा के मैं 24 अवतारों का दर्शन किया। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवर्षि नारद। तब महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आगे क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, देखो भैया उसी भगवान ने इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम तमेजत विपुलीकृ। भगवान ने ही मुझे भागवत का उपदेश देकर यह कहा कि तुम इसका विस्तार करो। तो भगवान के आदेश से मैंने भागवत का विस्तार किया। यह बात नारद जी ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं, यही कथा सूत जी सौनकादिकों को सुना रहे हैं और यही कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये बड़े ध्यान से सुनने योग्य है कथा। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत दिया। कैसे दिया? कहते हैं भगवान के नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी उस कमल के नीचे घुस गए और बहुत दिन तक पता लगाते रहे, कुछ नहीं मिला तो कमल के ऊपर बैठ गए और सोचने लगे क्या करें। तो उससे वहीं से लहरों से आवाज आई, त और प, 16वां और 24वां वर्ण। तो त और प सुनाई दिया, मालूम पड़ा कि कोई कह रहा है कि तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, 1000 दिव्य वर्ष तप से भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से हाथ मिलाए, सेकंड। ये सेकंड आज का नहीं है, सृष्टि के आदि में हुआ। ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप मुझसे हाथ मिला रहे हैं क्यों? कहा, तुम आज से मेरे मित्र हो गए। देखिए, मित्र का संबंध सबसे ऊंचा संबंध है। गुरु और शिष्य के संबंध में कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य ने आदर नहीं किया तो गुरु को तकलीफ हो जाती है। कभी कभी गुरुजी ने कुछ कह दिया, शिष्य ने नहीं किया तो शिष्य को तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो मित्र का संबंध है
उसमें सब 19-20 चलता है। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपना मित्र बना लिया। बोले भगवान ऐसा न करो, मुझे मित्र बनने का अभिमान न हो जाए। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो रहने वाले अपने बनारस जिले के ही थे। तो कहते थे कि हमारे गांव में एक संत एक ठाकुर थे, तो वो खाट पर सोए रहते थे। तो कहते थे कि ए, तुम लोगों को पता नहीं मैं जार्ज पंचम से हाथ मिलाया हूं। उस जमाने में जार्ज पंचम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अंग्रेज शासक था जार्ज पंचम, बहुत कड़ा शासक, हिटलर से पहले। तो कहते थे मैं जार्ज पंचम से हाथ मिलाया हूं। वो उनको अभिमान था कि मैं जार्ज पंचम से हाथ मिलाया हूं। अब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री से हाथ मिलाए तो डीएम साहब के यहां जाएगा तो दिखाएगा, देखिए सर मेरा काम करेंगे तो देखिए मैं डीएम साहब, मैं पीएम साहब के साथ हाथ मिलाया हूं, मेरी फोटो देख लो, मेरी औकात समझ लो, मैं हल्का फुल्का आदमी नहीं हूं, ये फोटो से समझ जाओ। तो मुझे अभिमान न हो जाए आपसे हाथ मिलाने के बाद, इसलिए कृपा करो। तब भगवान मुस्कुराए, सरहस्यम तदंगम च गृहाण गजितम मया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भागवत का उपदेश कर रहा हूं। 4 श्लोक में भागवत सुनाया, यही मूल श्लोक है, मूल भागवत यही है। 4 श्लोक चतुश्लोकी, पहले श्लोक में ब्रह्म का प्रतिपादन किया, दूसरे श्लोक में माया, तीसरे श्लोक में जगत और चौथे श्लोक में आत्म तत्व।